नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे। थोड़ा तबीयत डाउन है। चलिए आज आपको झारखंड के सबसे बेहतरीन प्लेस आपको दिखाते हैं, जहाँ पे पिकनिक में बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और वहाँ पे झारखंड के फिल्मी गाने भी शूट किए जाते हैं। और इतना बेहतरीन प्लेस, बहुत ही बेहतरीन। देखिए दोस्तों, ये जो आप रोड देख रहे हैं लगातार, ये बरही की कोडरमा का रोड है। और जो लेफ्ट साइड राइट साइड ये दोनों साइड बहुत ही हरियाली सा जंगल है। और इसके आगे हम लोग बहुत अच्छा अच्छा जगह आपको दिखाने वाले हैं, जो कि बड़ाकर नदी जी बोलते हैं उसको, और यह तिलैया डैम भी कहा जाता है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा संख्या में नाव पे घूमते हैं। और यहाँ पे घूमने वाला बहुत अच्छा प्लेस है। यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए, जो आप लेफ्ट साइड में जो नदी देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। 1 तारीख डेट में, जनवरी के महीना में, यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। जो दाहिने साइड आप देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन दिया हुआ है, इस पे ट्रेन जाती है। और यह रेलवे स्टेशन के वो साइड में जो आप देख रहे हैं, टोटल एकदम रिवर है, बड़ाकर रिवर है, बड़ाकर नदी है, जो बहुत ही शानदार सीन क्रिएट करता है दोनों साइड में। और यहाँ पे झारखंडी गाने भी शूट किए जाते हैं। झारखंडी गाने जो बनते हैं, यहाँ पे कितना बार शूट हो चुका है। और यहाँ लेफ्ट साइड का जो नज़ारा देखिएगा, इधर भी बाएं साइड भी पूरा पानी ही पानी है और दाहिने साइड भी पानी ही पानी है। और इसमें बहुत मज़ा आता है गर्मी के दिनों में, जब आप घूमने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे नाव पर बैठ के एकदम घूमने बहुत अच्छा। और एकदम ठंडा प्लेस है, एकदम बहुत ज़्यादा आपको पीसफुली प्लेस है। और यहाँ अभी नया रोड बन रहा है, जिसके वजह से आपको बहुत सारा डाइवर्सन दिखाएंगे और बहुत अच्छा अच्छा सीन दिखाएंगे। देखिए पीछे का सीन है, और इतना सारा छोटा छोटा माउंटेन पहाड़ ये सब जो है, कि यहाँ पे सब लोग, बहुत सारे कार और जितना सब लोग आते हैं, वो सब यहाँ पे रुक के और फोटो खिंचवा कर जाते हैं। यहाँ दाहिने साइड में देखिए, यहाँ पे सब रोड टूटा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल रोड था, जिसके वजह से बहुत सारा एक्सीडेंट हो जाता था। और अब एक्सीडेंट का चांस बहुत कम है। रेलवे साइड आप देख रहे हैं, रेल क्रॉस है, और दोनों साइड में जो है सो इस तरह से रोड बन रहा है। और दाहिने साइड देखिए, अब लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ पे देख रहे होंगे एक बाइक खड़ा, वहाँ सब अपना अपना फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। और यहीं पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है पिकनिक के दिनों में, और बहुत ज़्यादा हरियाली जगह है, और यहाँ पे प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा कम होती है, और एकदम हरा भरा नज़र आता है। दोनों साइड पहाड़ी है, और दाहिने साइड में देखिए, यहाँ पे सब पहाड़ी कटिंग करके और यहाँ पे रोड चौड़ा किया जाता है। एक्चुअली में क्या है कि इसको जिलेबी रोड बोला जाता है। यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा खतरा है कि अगर आप सिंगल रोड में गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको सिर्फ गाड़ी के पीछे पीछे ही जाना होगा। अगर आप चाहेंगे कि हम किसी गाड़ी से पास लें, तो आपका खतरा का कारण बन सकता है, क्योंकि बहुत डेंजर रोड है और इसके वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होती थी। तो इसके वजह से यह रोड अब चौड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं दाहिने साइड में यहाँ कटिंग किया हुआ है। हम तो पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ, भाई ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, मैं तो बाइक चला रहा हूँ दोस्तों। लेकिन यहाँ देखिए, और यह घूमने वाला बहुत अच्छा मतलब प्लेस जगह मान सकते हैं, एकदम शांत जगह है। तिलैया डैम इसको बोला जाता है। और बड़ाकर नदी जो आपको पहले हमने दिखाया, वो बड़ाकर नदी पीछे छूट गया। ये मेरा दोस्त आप देख सकते हैं, बाय बाय कर रहा है सभी दोस्तों को, आप सभी। और देखिए दोस्तों, और आपको दिखाते हैं, जो दाहिने साइड देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा पहाड़ का जो कटिंग किया गया, और यहाँ पर भी काम चल रहा है। और अब तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ धीरे धीरे चालू हो गई, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा कम चलती थी। और देखिए दाहिने साइड आप देख सकते हैं, बहुत चौड़ा रोड बन रहा है अभी, और बाइक चलाने की वजह से कैमरा बहुत ज़्यादा गिर गया, इसके वजह से बहुत संदेह हुए। और पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा वर्किंग लगा हुआ है, और भी आप बहुत ही अच्छा सीन क्रिएट होता है ऊपर से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे
जब सनसेट होता है, जब सूर्य डूबता है और सूर्योदय जब होता है, तो इतना अच्छा आपको नज़ारा मिलेगा कि सूरज डूबते हुए भी दिखाई देगा और डूबते हुए भी दिखाई देगा। हाँ देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे रोड कितना अच्छा चौड़ा किया जा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा जल्दी लगता है कि सिंगल रोड में गाड़ी आगे पीछे, आप आगे का गाड़ी देख ही नहीं पाते कि गाड़ी आ रहा है कि नहीं, आप पास ले ही नहीं सकते थे, उसके कारण बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटियल क्षेत्र था ये। लेकिन अभी दोनों साइड रोड चौड़ा हो गया है, वीड फीस का बढ़ा दिया गया है। और देखिए हमारा दोस्त फिर से बाय बाय कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि ये सिंगल रोड जो है पूरी तरीके से अभी डबल रोड कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं पहाड़ को काट दिया गया है और दोनों साइड रोड चौड़ा किया गया। लेकिन यहाँ हरियाली इतना ज़्यादा था कि अगर आप देखते तो बोलते पहाड़ नहीं काटना चाहिए था, लेकिन सिंगल रोड की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से यह रोड को चौड़ा कर दिया जा रहा है। और बहुत ही शानदार सीन यहाँ पर क्रिएट होता है। आप एकदम इस जगह में अगर घूमने के लिए आएंगे या फिर इस रोड से जब आप गुजरेंगे तो इतना पीसफुल आपको फील होगा कि हम आपको क्या बताएं। और दोनों साइड एकदम पहाड़ ही पहाड़ है, लाइन से और हरियाली, और इतना ठंडा और इतना अच्छा हवा है, लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा यहाँ पर डाइवर्सन दिया हुआ है। और इसके आगे आप बने का एक बेहतरीन जगह दिखाई है जहाँ पूरा कोबरा बटालियन बसे हुए हैं और ये सब दृश्य है। अब यहाँ पे पहाड़ी ख़त्म होने वाला है, इसके बाद जो है कोबरा बटालियन का जगह बहने साइड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।